नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मैं हूं सूरज मोहन झा। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह एक कानूनी मसले को लेते हैं और उस पर अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं। आज कार्यक्रम में हम एक बेहद ही अहम विषय को छूने जा रहे हैं, वो है साइबर क्राइम अपराध और उससे जुड़े हुए जो कानून हमें संरक्षण देते हैं उस विषय में। सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रसार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंप्यूटर के बारे में आज कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस विषय में या तो रुचि नहीं रखता या जानकारी नहीं होती। हम देखते हैं कि हमारे नैतिक दिन के या ज़्यादातर जो कार्य होते हैं इससे जुड़े होते हैं और इंटरनेट जिसके से हम जुड़कर एक कंप्यूटर की अपनी एक दुनिया, एक संवाद कायम करते हैं और उस संवाद कायम में कई तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान भी हम करते हैं, जिसमें ईमेल है, वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग या और तरह की चीज़ें हैं। और आजकल तो हम नया दौर देख रहे हैं कि हम जो चीज़ें सामान्यतः ख़रीदारी से जुड़ी हुई होती थी वो भी अब हम इस तकनीक के द्वारा करते हैं। कहा जाता है कि जब नई तकनीक जन्म लेती है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये आया है और साइबर एक शब्द विकसित हुआ है, तो उसके साथ कई तरह के विकार भी उत्पन्न होते हैं और हमने उस तरह की चीज़ें अब अपने समाज में घटित होते हुए देखी हैं। चाहे वो आपको आपत्तिजनक संदेश से जुड़ी हुई हों या आर्थिक अपराध से संबंधित हो या फिर साइबर आतंकवाद जैसी जो घटनाएं होती हैं उनसे जुड़ी हुई, तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी विषय पर कि साइबर क्राइम आखिरकार है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, साथ में हमारे देश में इसको लेकर किस तरह के कानून मौजूद हैं जो हमें कानूनी संरक्षण देते हैं। इस विषय में हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे, साथ में आपको भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आज कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं साकेत मोदी जी, CEO हैं लूसी डीएस टेक से। साकेत, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पवन दुग्गल जी, साइबर मामलों के विशेषज्ञ हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अलग तरह की क्रांति है इससे कैसे बचा जाए। और साथ में हमारे साथ हैं रवि विश्वेश्वरैया प्रसाद जी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। पवन दुग्गल जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा और दर्शकों के नज़रिए से, चूँकि हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, आखिर ये साइबर हम शब्द बोलते हैं इसमें किस तरह के अपराध होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती है, जरा हमारे दर्शकों के नज़रिए से हमें समझाएं। देखिए, जैसे समय समय बदला, परिभाषाएं बदली और परिवेश भी बदला। सन 2000 में जब हम बात करते थे साइबर क्राइम की, तो केवल उन्हीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हम डिनोट किया करते थे जो साइबर स्पेस में होती थी। जैसे जैसे समय गुजरा, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स अपनाने प्रारंभ किए, आज की तारीख में साइबर क्राइम का मायना पूरा बदल गया है। आज कोई भी क्राइम अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से करते हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, तो वो साइबर क्राइम के दायरे में आता है। चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करें, चाहे किसी संपत्ति को टारगेट करें या चाहे किसी राष्ट्र को ही टारगेट ना करें, आप अलग अलग प्रकार के जो हैं साइबर क्राइम उभर के आ रहे हैं। और अब सोशल मीडिया जो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन चुका है, उसके समर्पित काफ़ी सारे नए साइबर क्राइम्स आए हैं। और मोबाइल, जिसके ऊपर हमारी सारी ज़िंदगी आधारित है, उसको लेकर नए नए प्रकार के मोबाइल क्राइम्स आजकल आ रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो तीन श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी होती है साइबर क्राइम जो किसी राष्ट्र के विरुद्ध होती है, जैसे कि साइबर वॉर हो जाए, साइबर टेररिज्म हो जाए। दूसरी होती है जो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध टारगेट की जाती है, जिसके अंदर हैकिंग, क्रैकिंग, डैमेज टू कंप्यूटर सोर्स कोड आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो साइबर क्राइम जो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किया जाता है, चाहे आप उसकी मानहानि करें, ऑनलाइन हैरेसमेंट करें, ऑनलाइन डेफामेशन करें या साइबर बुलिंग ही क्यों ना करें। बिल्कुल, तो जैसा कि पवन दुग्गल जी ने बताया कि इसके अलग अलग श्रेणियां हैं और कहीं ना कहीं जब हम इससे जुड़े हैं और हम देखते हैं जो इस सोशल मीडिया का अभी जिक्र हुआ, उसे हम अगर सकारात्मक पहलू में देखें तो हमारे देश में उसका एक बदलाव हमने बीते दिनों देखा भी। जब लोकसभा के आम चुनाव हुए तो उसका इस्तेमाल हुआ, उसके सकारात्मक पहलू देखने को मिले और उसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि आज पूरा का पूरा माहौल हर कोई इससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन उसके साथ में, जैसे पवन दुग्गल जी ने कहा कि उसके साथ खतरे भी बहुत हैं जिससे सुरक्षित हमें होना होगा, जिसके बारे में हमें ज्ञान रखना होगा, तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, हम विशेषज्ञों के साथ तो चर्चा करेंगे ही, साथ में आपको भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, आपकी राय, आपके सवाल इस मंच पर रखने की कोशिश करेंगे। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1153-14 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। साथ में हमारा फ़ोन नंबर दिल्ली का कोड 011 लगा के आप 2303-5420 पर फ़ोन करके अपनी राय, अपने सवाल इस मंच पर रख सकते हैं। रवि विश्वेश्वरैया जी, जैसे कि पवन दुग्गल जी ने हमें श्रेणीबद्ध तरीके से बताया कि किस तरह से आया और किस तरह के क्राइम हम देखने को मिलते हैं, किस तरह से सुरक्षित रहा जाए फिर? नहीं, ऐसे जैसे होता है ना, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है बिटवीन नेशंस, राष्ट्रों के बीच में
जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कई ईयर्स से हो रहा है, भारत और चीन के बीच में हो रहा है, इजराइल और फलस्तीन के बीच में हो रहा है, और कई बार ये इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप से हो रहे हैं। तो जैसे भारत के जितने भी राष्ट्रीय नेटवर्क्स हैं, सुरक्षित नेटवर्क्स हैं, उन पर कई बार हमले हो रहे हैं, कई सालों से हमले हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ग्रुप्स, ये 1998 हमारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के बाद उन्होंने हमारे सारे जितने भी गवर्नमेंट नेटवर्क्स थे, मिलिट्री नेटवर्क्स के, वो टारगेट कर रहे हैं। साइबर एस्पियोनाज बहुत है, जासूसी बहुत हो रहा है, ये चीन बहुत कर रहा है। चीन तो पूरे यूएसए, यूरोप और कई कंट्रोल देशों पर कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर इंडिया के कर रहा है। हमारे जितने भी सेना के नेटवर्क्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे अटैक हो चुके हैं। बहुत सारा साइबर एस्पियोनाज, साइबर जासूसी हो रहा है, जिसमें हमारे जितने भी नेशनल सीक्रेट्स हैं, मिलिट्री सीक्रेट्स हैं, वो उस पर स्नूपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल साकेत, आपको भी चर्चा में लाना चाहेंगे, तो चूंकि आपकी विशेषज्ञता जो है वो आजकल हम जो देख रहे हैं, ई कॉमर्स का प्रसार प्रचार बड़ा है इसमें हम देखते हैं, और साथ में आजकल लोग पैसों का आदान प्रदान भी इस मार्फत करने लगे हैं, तो आप किस तरह से इसे देखते हैं, साइबर की दुनिया को इस लिहाज से? साइबर की दुनिया मेरे हिसाब से एक नया डायमेंशन है कोई भी हमारे ह्यूमन रेस के लिए। ये ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है, और ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ आया। जब हम साइबर को देखते हैं, और सिंस हम साइबर सिक्योरिटी करते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स की, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि आप जब कोई वेबसाइट से कुछ खरीदने जाते हो, या अपने हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन रखते हो, या कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप अपने घर पे यूज़ करते हो, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खाली उस वेबसाइट के ओनर के पास नहीं होती है। कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है, जब आप कोई वेबसाइट को खोलते हो, दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, इनफैक्ट तीन होती है। एक होता है क्लाइंट, और एक होता है सर्वर, यानी कि आप खुद क्लाइंट होते हो जो किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जो सर्वर होता है, और उसके बीच में एक माध्यम जो होता है, दैट इज़ द मीडियम जिसके थ्रू आपके सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। कोई हैकर कहीं पे भी अगर आपका क्रेडिट कार्ड को हैक कर ले, चाहे वो सर्वर पे हो, चाहे वो रास्ते में हो, या आपके डेस्कटॉप के ऊपर हो, या आपके मोबाइल के ऊपर हो, दैट इज़ एज गुड एज नॉट हैविंग एनी सिक्योरिटी कहीं पे भी। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग अगर आज कोई बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, या 30,000 रुपये का फ़ोन ले लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खाली उस मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर की है, जो कि गलत है। और जब कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, उसके बाद वो कोर्ट पे जाकर वो केस करने की कोशिश करते हैं, एंड एज एन एंड रिजल्ट उन्हें कुछ मिलता नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि साइबर में आपकी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी वो मैन्युफैक्चरर की या वेबसाइट ओनर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे पहले दर्शक जुड़े हैं, दिलखुश मेरठ उत्तर प्रदेश से। सर पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास एटीएम था सर जी, और सर उस पर सर पिन नंबर भी था, तो सर मैंने अपना पिन नंबर उसमें गलती कर दी, मैंने उसमें डाल दिया और मेरा एटीएम खो गया। उसमें से जब खो गया तो किसी को मिल गया, और उसने 10,000 रुपये निकाल दिए मेरे एटीएम में से। फिर मैं बैंक गया, और बैंक वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की, और मेरे 10,000 रुपये खत्म। तो अब सर मैं कोई ऐसा कुछ कर सकता हूँ कानून, जिसके जरिए मुझे पैसे मिल जाए मेरा? चलिए देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके अगर पैसे गए हैं तो सीख होनी चाहिए, लेकिन चुपचाप नहीं बैठना है। पहले इसको तुरंत आपने रिपोर्ट करनी है अपने लोकल थाने में, और अगर आपके शहर या इलाके में साइबर क्राइम सेल हो या इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, तो कृपया वहाँ पर भी जाकर रिपोर्ट ज़रूर करें। रिपोर्ट करने के तुरंत बाद आपको बैंक को इतला करना पड़ेगा लिखित में, क्योंकि अब एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आ गया है, जहां पर यह स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि इस बैंक विशेष को साबित करना पड़ेगा कि उसने किस प्रकार की ड्यू डिलीजेंस करी है, और अगर आपका दुरुपयोग हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का आपकी इजाजत के बगैर, या आपको फ्रॉडिया तरीके से टारगेट किया गया है, तो आपको पैसे भी वापस मिलने चाहिए। वैसे भी कानून जो है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, स्पष्ट कहता है कि जिम्मेवारी आपके बैंक की है कि वो साबित करे कि उसने क्या क्या ड्यू डिलीजेंस, क्या क्या सावधानियां बरती थी जब वो अपनी सर्विसेज प्रदान कर रहा था, जब वो अपनी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी का निर्वाह कर रहा था। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आपको सीख भी लेनी है कि देखिए, अगली बार कोई भी आपको कॉल करेगा और आपसे डिटेल्स मांगेगा तो कृपया मत दीजिएगा। वो कहते हैं ना कि एक बार दूध का आदमी जो है छाछ भी पीता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो साइबर क्राइम वो दूर पाश्चात्य देशों में रहने वाला नहीं है, आपके मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, हम सब टारगेट्स हैं।
तो हम जब सब टारगेट्स हैं, हमें देखना है हम अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित कर सकें, अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल साकेत, आपसे भी जानना चाहेंगे। इसमें मैं जस्ट ये ऐड ये करना चाहूँगा कि आज की जो प्रॉब्लम होती है, मुझे जो समझ आती है, आज खाली हमारे ही देश में नहीं, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज जो है अक्रॉस द ग्लोब, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये डिजिटल साइबर रेवोल्यूशन हमारे गांव गांव में टच कर चुका है। आज इंडिया में करीब 900 करोड़ करीब सिम कार्ड्स इशू ऑलरेडी हो रखे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर आदमी के हाथ में एक सेलफोन है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती कभी भी किसी भी पॉइंट में कि उसे यूज़ किस तरीके से किया जाए। हमारे को एड्स बहुत सारे दिखाते हैं कि अगर आप डेबिट कार्ड लोगे या क्रेडिट कार्ड लोगे आपको ये एडवांटेज मिलेंगे, आप बैंक से इतने पैसे उठा सकते हो और उसे आप एक महीने दो महीने बाद पे बैक कर सकते हो। बट हमें एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ से कुछ भी नहीं मिल पाता जिससे कि आपको ये पता चल सके कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है उसके साथ में। तो मैं खाली ये आपको सजेस्ट करूँगा, ज़्यादातर बैंक्स की एक बहुत ही सुंदर तरीका होता है जिससे कि आपको ना ही अपना क्रेडिट कार्ड की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़े और आप अपना ट्रांजैक्शन कर सको, उसे कहते हैं नेट सेफ बैंकिंग। आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो बैंक है वो बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा नेट सेफ बैंकिंग, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे वो आपसे एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेगा और आपको जितने का भी ट्रांजैक्शन करना है वो आपसे पूछेगा कि कितने अमाउंट का एक नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो बना के आपको दे देगा उसी समय। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है जिसका आप यूज कर सकते हो और आप वो दूसरा क्रेडिट कार्ड नंबर जो आपका असली क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं है वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या किसी को भी जिसको आपको देना है वो आप दें जिससे कि आपका एक्चुअल क्रेडिट कार्ड सिक्योर रह सके। बिल्कुल, जिस तरह से हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाभ तो ज़रूर ले, लेकिन जैसे कि पवन दुग्गल और साकेत जी ने कहा है कि हम तमाम तरह के जो हमारे सुरक्षित तरीके हैं उसका भी पालन करें और देखें पूरी तरह से उसके बारे में समझ लें कि आखिर हम बचाव भी किस तरह से कर सकते हैं। अभी हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़े हैं, अजय कुमार बिहार से। अजय जी स्वागत है, पूछे अपना सवाल। अजय कुमार सिंह अररिया बिहार जी, पूछे अपना सवाल। मेरा कहना यह है कि आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पर लोगों को तरह तरह की धमकियां देते हैं या गाली गलौज करते हैं, क्या यह भी साइबर कानून के तहत आता है? साथ ही मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ लीगल पॉइंट के लिए कि आज के जमाने में जबकि बहुत से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लीगल पॉइंट पर निर्भर हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि कम से कम प्रत्येक सप्ताह डाक से जो पत्र आए उनमें से दो या तीन पत्र संबंधित विषय का लेकर विशेषज्ञों के सामने दें तो अधिक से अधिक लोगों की समस्या का समाधान हो सके। अजय जी, आपके आपके सुझाव को हम ध्यान में रखेंगे और उसके बारे में हम आगे लीगल पॉइंट में कदम उठाएंगे। पवन दुग्गल जी, जिस तरह से वो मोबाइल पे जो धमके आते हैं उसके संबंध में पूछ रहे थे। देखिए, लोगों के हृदय में एक गलत सी धारणा है, धारणा ये कि हम मोबाइल में जो कुछ करना चाहें करेंगे और हम तक कानून नहीं पहुंचेगा। ये बात शायद 2000 में सत्य थी, लेकिन सन 2008 में केंद्रीय सरकार ने संशोधन कर दिया भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, और अब उस संशोधन के पश्चात हर एक मोबाइल आज कानून के दायरे में आ गया है। न केवल मोबाइल, हर प्रकार की कम्युनिकेशन डिवाइस जिसके माध्यम से आप किसी प्रकार का ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट कम्युनिकेट करेंगे वो भी कानून के दायरे में आ गया है। तो आप पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कवर हो गए हैं। अब अगर आप अपने मोबाइल फोन से किसी को धमकी भरा मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं या कुछ अश्लील चीज भेजते हैं तो आप ऑलरेडी एक ऑफेंस कर रहे हैं भारत के आईटी एक्ट में। और अब तो एक बहुत विशाल सा सेक्शन आ गया है इस कानून में जिसे हम धारा 66A कहते हैं। इस धारा 66A का कहना है कि साहब, जब आपने अपने मोबाइल फोन से कुछ भी संदेश भेजा, चाहे ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट, या अपने कंप्यूटर से भेजा जो ग्रॉसली ऑफेंसिव है या मेनेसिंग इन कैरेक्टर है, तो स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध हो गया। जिस वक्त भेजा उसी वक्त अपराध कमिट हो गया। आपकी क्या इंटेंशन थी, क्या आपकी मंशा थी, कानून का उसे कोई लेना देना नहीं है। कानून ये भी कहता है कि अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ऐसी जानकारी भेजते हैं जो आपको पता है कि गलत है, लेकिन इसलिए भेजी गई है ताकि किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान का सामना करना पड़े, अनॉयंस, इनकन्वीनियंस, इलविल, हेट्रेड या एनिमिटी का सामना करना पड़े, तो वो भी एक दंडनीय अपराध है। इस प्रावधान के तहत 3 साल की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो अगली बार
अगर आप कुछ भी ऐसी गतिविधि करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करें। क्यों? क्योंकि अगर रेसिपिएंट ने या जो बंदा रिसीव करने वाला आपका मैसेज, उसने आपके विरुद्ध कंप्लेंट कर दी तो FIR भी दर्ज होगी, मुकदमा भी चलेगा। और मैंने जितना काम IT एक्ट में किया है, मुझे लगता है IT एक्ट में एक बार मुकदमा आप पर चालू हो जाए, आपको सालों लग जाएंगे इसमें से बाहर निकलते हुए। इसलिए लोगों को अपने डे टू डे रोज़मर्रा की जो रूटीन जिंदगी है उसमें थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा। चाहे हर व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, कॉन्शियसली मान के चलिए कि जो कुछ आप भेज रहे हैं कल उसका इस्तेमाल आपके विरुद्ध होने वाला है, और अगर होगा तो फिर मुकदमे भी होंगे और फिर सिरदर्दी का सबब भी बनेगा। पवन जी, जब इस तरह की जब मटेरियल पहुंचता है मोबाइल में या नेट के माध्यम से, और अगर मान लीजिए जिसे मिलता है वो उसे अशोभनीय जैसे आपने कहा मानता है, तो शिकायत क्या लोकल थाने में या किसी और खास तरह से किया जा सकता है? देखिए, शिकायत आप किसी भी थाने में कर सकते हैं। कोई पुलिस अधिकर्मी जो इंस्पेक्टर लेवल का है या उससे ऊपर है, उसको ये अधिकृत किया गया है कि वो भारतीय IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है। उसको विशाल पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस में घुसकर किसी व्यक्ति की इजाज़त के बगैर एंट्री कर सकता है, सर्च कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो बहुत सारी पावर्स दे दी गई हैं, तो आप अपने लोकल थाने में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप महानगरों में हैं, बड़े शहरों में हैं, तो हर बड़े शहरों में आपको साइबर क्राइम सेल मिलते हैं, कुछ इलाकों में आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी मिलते हैं, जैसे कि बैंगलोर में हो गया। वहाँ पर अगर हो तो आप अपने लोकल साइबर पुलिस स्टेशन में जाएं, मुकदमा दर्ज करें और फिर कार्रवाई अकॉर्डिंग टू लॉ होगी। बिल्कुल। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आयुष वर्मा दिल्ली से। आयुष, पूछे अपना सवाल। सर, हमारा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हम स्टूडेंट हैं एक बीटेक के, जी जी। तो हमने सर अगर अपना करियर बनाना है सर इसके अंदर, या हम चाहते हैं हम भारत सरकार के अंदर, जैसे मोदी जी ने बनाया मेड इन इंडिया, तो इसके अंदर हम एज ए स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट होके, चाहे कुछ पढ़ के, कुछ कोर्स करके वगैरह सर, ऐसा? बिल्कुल। जिससे हम, रवि विश्वेश्वरैया जी, आप अगर आयुष को कुछ सलाह दे सके। नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आप, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। आप क्या बीटेक करना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं? बीटेक। हाँ नहीं, जैसे सारे IITs में स्पेशलाइजेशन है, IIT कानपुर जहाँ से मैं एलुमनाई हूँ, वहाँ एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, इंटरनेशनली वेल नोन साइबर सिक्योरिटी है। और रिसेंटली जो पिछले साल का जो दी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी था, उस पर कहा गया था कि भारत को 500,000 आधा मिलियन लोगों की ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव करियर अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली IITs, अगर आप JEE पास कर सकते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए, साकेत युवा भी है और इस विषय में उनकी राय जान लेते हैं। मैं आपको खाली ऐड करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि इंडियन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो जुलाई पिछले साल लॉन्च हुई थी, DIT ने लॉन्च किया था उसे, वो कहती है 500,000 लोगों की ज़रूरत है आज के दिन में। मैं आपको एक और एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा जहाँ पे उस, ये मुझे लगता है बड़ा ही कंजर्वेटिव नंबर, अगर आप इंडियन स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेज लें, जो कि आज इंडिया में करीब 500 मिलियन कंपनीज हैं जो स्मॉल एंड मीडियम के क्षेत्र में आती है, और उसमें भी बड़ा कंजर्वेटिव नंबर में अगर लेके चलता हूँ, खाली 10% ऑफ दैट द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो साइबर से रिलेटेड कुछ ना कुछ करती है, यानी कि या तो वो ईमेल भेज के अपना इन्वॉइसेस को भेजती है, इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, या बात करती है सेलफोन पे, साइबर से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी है, तो उसकी 10% भी अगर आप लेते हैं, विच कम्स डाउन टू 5 मिलियन, 5 मिलियन कंपनीज को आज के दिन एटलीस्ट एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत है अपनी कंपनी में, जो उनके सारे कम्युनिकेशन को समझ के उसे सिक्योर्ड बना सके। बोलने का मतलब ये है कि फ्यूचर जाते हुए स्मॉल एंड मीडियम में, बड़ी कंपनीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, वहाँ पे तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, पर अगर जो मासेज है स्मॉल एंड मीडियम की बात करें, वहाँ पे आज इमीडिएटली 5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, और वो नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि हम एजुकेशन बहुत करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। आज इंडिया में 5,000 से ज़्यादा ऑनेस्ट एंड क्लीन बैकग्राउंड वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी कमी है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है जो आप ऑफकोर्स ऑप्ट इन कर सकते हैं। कैसे किया जाए, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे भी कोर्सेज होते हैं, आप लूसिडस की वेबसाइट देख सकते हैं। पॉइंट में हमने इस साइबर में किस तरह से कैरियर भी बनाया जा सकता है उसके बारे में सुझाव दिए, साथ में जिस तरह से नई तकनीक आती है वो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन साथ में कई तरह की सावधानियां भी बरतनी होती है, जैसे हमारे विशेषज्ञों ने बताया। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं साइबर अपराध, इससे जुड़े हुए कानून और कैसे इससे बचा जाए, इस विषय पर। पवन दुग्गल सर, हमने पहले सेगमेंट में इस विषय में बात की, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हम कह रहे हैं कि किस तरह के कानून मौजूद हैं, आप बार बार आईटी एक्ट 2008 में जो संशोधन हुआ उसके विषय में बता रहे हैं, आप दर्शकों को बताएं किस तरह ये जो कानून है वो हमें साइबर अपराधों से बचाने के लिए बना है। सन 2000 में केंद्रीय सरकार ने कानून बनाया। ये कानून का मुख्य उद्देश्य था भारत को ई कॉमर्स को बढ़ावा देना और साथ ही साथ भारत में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को एक कानूनी मान्यता प्रदान करना। लेकिन उसी दौर पर एक ये भी थॉट प्रोसेस निकली कि साहब साइबर क्राइम्स को भी एड्रेस किया जाना चाहिए, लिहाजा आईटी एक्ट सन 2000 में एक विशिष्ट अध्याय भी जोड़ दिया गया जिसे हम अध्याय 11 कहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को परिभाषित किया गया एज साइबर क्राइम्स और उसमें अलग अलग तरह की सजाओं का भी प्रावधान बनाया गया और मुख्य तौर पर ये सजाएँ थी इम्प्रिजनमेंट 3 साल से लेकर 10 साल तक लेकर और जो फाइन या जुर्माना होता था 1 लाख से लेकर 5 लाख तक हुआ करता था। जब 2008 तक हम पहुंचे तब हमको लगने लगा कि साहब बहुत से अलग अलग प्रकार के नए साइबर क्राइम्स आ गए हैं जो कानून के दायरे में नहीं कवर होते और आवश्यकता है इस कानून को संशोधन कर इसकी एम्बिट को ज़्यादा बढ़ाना। लिहाजा सन 2008 के संशोधनों ने नए नए प्रकार के ऑफेंसेस क्रिएट किए इस अध्याय 11 में और आज की तारीख में बहुत सारे ऑफेंसेस साइबर क्राइम्स बन चुके हैं भारतवर्ष में। मुख्य तौर पर उदाहरण देना चाहूँगा, अगर आप किसी के कंप्यूटर के अंदर घुसते हैं उसकी इजाज़त के बगैर सिर्फ घुसते हैं तो वो भी दंडनीय अपराध है। आप हैकिंग करते हैं तो वो भी दंडनीय अपराध है, 3 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। किसी के अगर आप कंप्यूटर सोर्स कोड को चुराते हैं या मॉडिफाई या ऑल्टर करते हैं उसमें भी आपको तैयार होना पड़ेगा, 3 साल जेल टाइम के लिए और 5 लाख रुपये जुर्माना के लिए। भारतीय कानून ने बहुत सोच विचार करके जो अश्लीलता के विषय पर कुछ ऑफेंसेस रखे, मसलन कहा कि अगर आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का प्रकाशन करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे या प्रकाशन या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान करेंगे तो वो स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध होगा, 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी होगा। और इन संशोधनों ने तो ये भी कहा कि अगर आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेंट प्रकाशित या ट्रांसमिट करेंगे जिसमें एक्सप्लिसिट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हो या कंडक्ट नजर आए तो उसमें 5 साल की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पहली बार इस कानून ने एक स्पष्ट साइबर क्राइम घोषित किया है, कड़ा साइबर क्राइम है, 5 साल की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर कोई आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है तो घबराने की बात नहीं, उसके बरखिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं, 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मुख्य बात यह है कि यहां पर भारतवर्ष ने ऐतिहासिक परिवेश में खासतौर पर 26/11 के मुंबई आक्रमण के बाद एक नए प्रकार के साइबर क्राइम को जन्मा, ये था साइबर क्राइम साइबर टेररिज्म का। धारा 66F में ये नया साइबर टेररिज्म का जो साइबर क्राइम है परिभाषित किया गया, बहुत विशाल है। मैंने जितने भी शोध किया है दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्रों के साइबर लॉज का तो मेरा निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जिस तरीके से भारतीय कानून ने साइबर टेररिज्म की परिभाषा की है वो पूरी दुनिया भर में सबसे विशाल है और बहुत ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। पवन जी, मैं एक चीज और जानना चाहूँगा, जो आपने अश्लील साहित्य से जुड़े हुए जो आपने बात की कि उसका प्रकाशन या उसका, अभी इस बीच में एक जो वेबसाइट में डाला जाता है देखता है कोई चीज़ को जो आगे फॉरवर्ड करता है तो क्या वो भी अपराध की उसमें श्रेणी में आता है? देखिए, ये भारतीय साइबर लॉ बहुत खतरनाक है। वो कहता है कि साहब आप खुद पब्लिश करेंगे, आप ट्रांसमिट करेंगे या कॉस्ट भी पब्लिश और ट्रांसमिट करेंगे तो आप कानून के दायरे में आ गए। अगर किसी ने आपको कोई डर्टी जोक भेजा या अडल्ट जोक भेजा और आपको पसंद आया, आपने कहा मैं अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करता हूं, द मोमेंट आपने फॉरवर्ड कर दिया ऑफेंस उस वक्त कमिट हो गया सेक्शन 67 आईटी एक्ट में। अब भारतवर्ष में चोरी बहुत लोग करते हैं, जो पकड़ा जाए वो चोर कहलाता है, तो हो सकता है कि अगर आपके बरखिलाफ अगर शिकायत की जाए तो फिर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसलिए आपको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको होना पड़ेगा, बिकॉज कानून मानता है कि जब आप किसी चीज़ को ट्रांसमिट करते हैं तब आप भी एक बिचौले बन जाते हैं, इंटरमीडियरी बन जाते हैं और आपका जो दायित्व, आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं धारा 79 आईटी एक्ट में पूर्ण तरीके से परिभाषित की गई हैं, जहाँ पर कानून स्पष्ट तौर पर कहता है कि साहब आप ड्यू डिलीजेंस अपनाएं, सावधानी अपनाएं जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करें। बिल्कुल, आप, मैं साकेत आपके पास आऊँगा। अभी एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, जैसे कि पवन दुग्गल जी ने बड़े सहज भाषा में समझाया है कि हम इस तरह चीज़ों का इस्तेमाल एक आम धारणा के तहत करते हैं लेकिन किस तरह की कानून में उसके बारे में एक
परिभाषित उसे किया गया है वो आपको भी दिक्कत में डाल सकता है, आपके लिए एक मनोरंजन का साधन हो सकता है, तो इससे सावधानी बरती जा सकती है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं संजय सिंह बिहार से। संजय पूछे अपना सवाल। शुभ संध्या महोदय, मेरा ये कहना है कि आज जिस तरह के साइबर अपराध का ग्राफ अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ चुका है और लगभग सारी सूचनाएं आजकल कंप्यूटर में दर्ज हो रही हैं, तो क्या इस क्षेत्र में इसको कानून तो बनाए जा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या कोई प्रतिरक्षण प्रणाली विकसित नहीं की जा रही है जिससे कि इस अपराध को रोका जा सके? चीन अमेरिका जैसे देश तो काम भी कर रहे हैं, क्या भारत में इस दिशा में कोई काम हो रहा है? दूसरी चीज है, जैसे कि टीवी पर या मोबाइल पर भ्रामक विज्ञापन आते हैं, आपको ये इनाम मिला वो मिला, ये भेजिए अपना अकाउंट नंबर भेजिए डिटेल भेजिए, तो क्या इन लोगों पर भी लगाम लगाने की जरूरत नहीं है? ये किसका दायित्व तो है, टेलीकॉम कंपनियों का, टीवी कंपनियों का या किसी अन्य का? चलिए साकेत, आप संजय सिंह जी का। हाँ जी, पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि इंडिया में कुछ हो रहा है क्या इन सब क्राइम्स को डिफेंड करने के लिए, मेरे हिसाब से ये एक बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड एवोल्यूशन प्रोसेस होता है। पहले पैसे आए दुनिया में, उसके बाद चोरी हुई, उसके बाद लॉ आए और पुलिस आई। उसी तरीके से अगर आप पिछले 15 साल देखें ह्यूमन रेस का, सडनली हमारे यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गई। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज थी। पिछले 15 साल में हम आज करीब दुनिया में करीब 2 बिलियन पीपल है, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल ह्यूमैनिटी जो इंटरनेट पे आई है खाली पिछले 10 साल में। सो ये एक बहुत बड़ा पावर है जो सडनली हमारे लाइफ में आ गया है और ये बड़ा चेंज कर रहा है हमारी लाइफ को हमेशा के लिए। सो ये अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्राइम्स और डायमेंशंस उसके अंदर से प्रॉब्लम्स आ रही है उठ के, जिसके लिए जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स है, जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हम कुछ इंडिया के सबसे बड़े बड़े बैंक्स, कुछ सबसे बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज, सो आप जाकर किसी वेबसाइट पे अगर पैसे देकर अपनी फ्लाइट की टिकट खरीदते हैं या अपने बुक्स खरीदते हैं, वो कंपनीज हम जैसी कंपनीज को हायर करती है, ये बोलती है कि आप हमारी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करिए और आपको जो भी फ्लॉज उसमें दिखाई दे हमें वो बताइए, जिससे हम उसे पैच कर दें इससे पहले कि कोई और हैकर आके आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुरा के ले जाए। सो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, खाली इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, और ऑलरेडी वो चीज़ बढ़ती जा रही है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि आपको जो स्कैम्स के एसएमएसेस आते हैं और ईमेल आता है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात देख के कि आपने सेम ही क्वेश्चन में ये भी बोला कि और बहुत सारी कंट्रीज होती है जो इस पूरे 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 स्कैम में इन्वॉल्व होती है। आज साइबर के कारण मैं मानता हूँ कि हमारी दुनिया छोटी हो गई है। 5 सेकंड के अंदर एक आदमी साइबर डायमेंशन में 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट पे जंप करके फाइनल वेबसाइट या फाइनल किसी इंसान तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा पावर है और आज भी हमारे लॉज फिजिकल डायमेंशंस के बीच में रुक जाते हैं। आप चाहे बैरक ओबामा ही क्यों ना हो, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, बट आपको भी अगर कोई अटैक हो रहा है और 5 अलग अलग ऐसी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होते हैं आई एम श्योर आप जानते हैं जो डिप्लोमेटिकली बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना चाहती ग्लोबल पीस के साथ में, और वहाँ पे सर्वर्स खुले होते हैं, उसको बाउंस करके कोई हैकर अगर अटैक करता है, बिलीव मी आप चाहे कोई भी हो दुनिया में, आपको उस तक पहुँचना बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है। ये ऑलरेडी होने की कोशिश हो रही है बट अभी तक एक ग्लोबल स्केल पे कोई लॉ या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा फॉर्म नहीं हो पाया है। बुडापेस्ट कन्वेंशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, पर उसमें सैडली इंडिया भी पार्ट अभी तक नहीं जा पाया है, बट वो हो रहा है एंड आई एम श्योर विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट आ चुकी है इसकी, देर विल बी समथिंग एट अ ग्लोबल स्केल जो आ पाएगा। पवन दुग्गल जी, जैसा उन्होंने कहा कि जो भ्रामक SMS आते हैं, ईमेल आते हैं, ऐसे में जवाबदेही किसकी बनती है, वो टेलीकॉम कंपनी की बनती है या उस कंपनी की बनती है, उस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कानून ने स्पष्ट तौर पर एक नया अध्याय लिखा है, ये अध्याय में स्पष्ट तौर पर 11वां अध्याय है और इसमें कानून ने इंटरमीजरी या बिचौलों की परिभाषा की जो दायित्व है उस पर परिभाषा लिखी है, साथ में कहा है हर एक व्यक्ति जो
इंटरमीडियरी है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ तक कि ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल है, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, ऑनलाइन साइबर कैफेज, मार्केट प्लेसेस, सर्च इंजन्स, वो तमाम सारे लोग आते हैं। तो अगर आप कुछ तरह के SMSs आ रहे हैं तो वो SMSs को आपके यहाँ तक ट्रांसमिट करने में आपका सर्विस प्रोवाइडर का एक अभिन्न योगदान है और इसलिए वो भी भारत के IT एक्ट के तहत आ जाता है, उसकी जिम्मेवारी भी बनती है। तो अगली बार जब आप इस तरह के आपको SMS आते हैं या मैसेज आते हैं और आप शिकायत करते हैं तो ना केवल वो अनजान व्यक्ति जिसने अल्टीमेटली आपको अकाउंट ये ईमेल भेजा है वो जिम्मेदार है, आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी उतना ही जिम्मेदार है इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी होने की दिशा में, और आप उसको भी बतौर पार्टी बना सकते हैं। रवि विश्वेश्वरैया जी, आप कुछ राय रखना चाहेंगे जिस तरह से बात कही गई सुरक्षा के नज़रिए से या फिर जो तमाम तरह की शिकायतें आती हैं? नहीं नहीं, जैसे ये जो प्रश्न आया था ना उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई संदेश ऐसा मिलता है या तो SMS या तो ईमेल, पहले उसको कभी उसको रिप्लाई मत भेजिए, कभी भी रिप्लाई मत भेजिए, और जो भी लिंक्स है उसमें उन पर कभी क्लिक मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना अगर आप उस लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो इमीडिएटली फाइसिंग अटैक हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट पे, आपके जिस चीज़, और कभी अगर कोई पूछता है आपके बैंक आपके बारे में, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उनको कभी मत देना। बेस्ट थिंग इज नेवर बी किसी के साथ ये संपर्क मत कीजिए जो आप रियल वर्ल्ड में नहीं जानते हैं, और अगर कोई भी पूछता है आपके पर्सनल डिटेल्स में, आपके जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या बैंक अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, कभी कभी किसी को मत दीजिए, वो बोलेंगे आपके, कई बार बैंक से स्पूफ लोग बैंक्स के को भी स्पूफ करके आ जाते हैं कि आपको लगता है कि आपके बैंक से आ रहा है लेकिन वो एक्चुअली एक क्रिमिनल से आ रहा है और आपके बैंक का उसने आइडेंटिटी थेफ्ट स्टील किया है और भेजा है, और कभी जेन्युइन बैंक आपका पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं पूछेगा। चलिए साकेत को छोड़ा जाता है, संक्षिप्त में जरा एक कॉलर जोड़ेंगे। मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका राशन कार्ड का डिटेल मांगते हैं स्कैन करके। जनरल टेंडेंसी ये होती है सोचने की कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा क्या मिल जाएगा उसे कि अगर मैं भेज भी देता हूँ ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता मैं सच में 5 करोड़ रुपये जीत गया हूँ। पर एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है जहाँ पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और नाम जब आप भेजते हो उसे कॉपी करके बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो बाहर की कंट्रीज से आते हैं उन्हें वैलिड आईडी उन्हें इशू कर दी जाती है और उससे वो पैसे कमाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स आप मत दो, बट आपसे रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी भी हालत में आपको कहीं पे भी नहीं भेजना चाहिए। चलिए अभी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं जोहित दिल्ली से। जोहित पूछिए अपना सवाल। जी मेरा क्वेश्चन पवन जी से है जी कि अगर जैसे अभी यूरोपियन कंट्रीज में जुडिशरी के माध्यम से हमारा कोई ऑफेंसिव कुछ जानकारी नेट पे अवेलेबल है हम उसको डिलीट कर सकते हैं, एटलीस्ट उसके प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो अगर यही चीज हमें इंडिया में करनी है तो उसके क्या तरीका है करने का? देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। कुछ महीने पहले यूरोप की जो टॉप मोस्ट अदालत है यानी कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि यूरोप में विद्यमान जितने भी नागरिक हैं उन सबको ये मौलिक अधिकार है कि वो इंसिस्ट कर सकें कि उन्हें भूल जाया जाए, राइट टू बी फॉरगॉटन, और वो इंसिस्ट कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के कि हमारे बरखिलाफ़ कुछ भी अगर गलत लिखा है या डेफामेटरी लिखा है तो उसको रिमूव करें, और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो ड्यूटीबद्ध होंगे कि वो उस तरह की जानकारी को रिमूव कर सकें। काफ़ी शोर मचा, कुछ लोगों ने हेजिडेंटली फिर मानना भी शुरू कर दिया और डू नॉट राइट टू बी फॉरगॉटन पेजेस भी प्रारंभ कर दिए। अब आप भारत के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि हमारे पास वो जो फर्टाइल भूमि है, उपजाऊ भूमि ऑलरेडी यहाँ विद्यमान है, बीज भी डले हुए हैं। बीज अगर आप देखें तो भारतीय संविधान हम सबको मौलिक अधिकार देता है जीवन जीने का, धारा 21 के तहत, और उतना विशाल है कि उसमें राइट टू नॉट जस्ट एक्सेस द इंटरनेट है बल्कि मुझे तो ये भी लगता है कि अगर अदालतें चाहें तो इस तरह रीड कर सकते हैं कि द राइट टू बी फॉरगॉटन ऑन द इंटरनेट, वो भी आपके जीवन जीने के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे लगता है आवश्यकता किसी मुकदमे की है और एक ऐतिहासिक फैसले की है। क्यों? क्योंकि IT एक्ट में वो सारे बीज उपलब्ध हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उपलब्ध हैं, आवश्यकता केवल एक इंटरप्रिटेशन की है। और अगर आप देखें भारत के सेक्शन 79 IT एक्ट में वो स्पष्ट कहता है कि इंटरमीजरी को जब बताया जाता है कि साहब आपके नेटवर्क पर कुछ गलत है,
कुछ ऐसी चीज है जो कानून के विरुद्ध है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो 36 घंटों में कार्यरत हो और उस तरह की जो भी गलत या गैर कानूनी जानकारी है उसको रिमूव करे या उसके एक्सेस को डिसेबल करे। तो राइट टू बी फॉरगॉटन के बहुत सारे बीज हमारे यहाँ पर ऑलरेडी विद्यमान है। आवश्यकता है एक ऐतिहासिक जजमेंट की, जिसके आधार पर, केस मेड जज मेड लॉ के आधार पर हम कह पाएं कि राइट टू बी फॉरगॉटन भारतीय साइबर लॉ ज्यूरिसप्रूडेंस का भी एक अभिन्न हिस्सा हो सकता है। साकेत, एक चीज़ जो आप थोड़ी देर पहले, हम इस सवाल से पहले बात कर रहे थे, जिसमें आप कह रहे थे कि जब हम डॉक्यूमेंट देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की आपने बात की, हम देखते हैं जब हमें मोबाइल का नया सिम लेना होता है तो उसके लिए भी हमारी आइडेंटिटी या उससे जुड़ी दस्तावेज लेते हैं, तो किस तरह की और तरह की चीज़ों में जो जरूरत पड़ती है, तो किस तरह की सावधानी बरती जाए इससे सब चीज़ों से बचने के लिए? आपको मैं इसका आंसर कुछ पार्ट्स में देता हूँ। जो बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आप जब अपने सिम कार्ड लेने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए कोई भी आप अपना आईडी कार्ड देते हो, आज के दिन में ये सारी चीज़ें भी डिजिटलाइज हो रही हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स इंडिया में जो कंपनीज़ है वो चाहती हैं कि हमें पेपर स्टोरेज ना करना पड़े, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक छोटी सी पेन ड्राइव जो आज 32 GB की आती है और जो कुछ हज़ार रुपये कॉस्ट करती है। तो वो डिजिटाइज वो सारी चीज़ें कर रही है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब आप डिजिटाइज करते हो कोई चीज़, एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी जो अभी दुग्गल साहब बता रहे थे द राइट टू बी फॉरगॉटन, कि इसमें आपको लगता है कि आप कुछ डिलीट कर रहे हो, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसे वापस नहीं निकाला जा सकता है। फोरेंसिक्स के कुछ बड़े एडवांस टूल्स अवेलेबल है, जिसको आप अगर अपने लैपटॉप से कोई चीज़ शिफ्ट डिलीट भी कर देते हो, उसे बहुत आसान तरीके से फोरेंसिक्स जब होती है तो उसे वापस एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मेरे बोलने का ये मतलब है, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, आपको ये अज्यूम करके देना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप देते हो कि ये गलत हाथों में ज़रूर जा सकता है। इवन इफ आपको कोई बताए कि मैं इसे डिलीट कर दूंगा या ये कहीं स्टोर नहीं होगा, आपको ये सोचकर ये दिमाग में रख के देना चाहिए कि ये ऑलरेडी गलत हाथों में जा रहा है। इस कारण आप खाली वही इन्फॉर्मेशन दे जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कल अगर कोई पब्लिक आइज में आ जाए तो। चलिए, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, सूरज पश्चिम बंगाल से, पूछे सर अपना सवाल। हाँ हेलो, मैं बोलना चाह रही थी, मेरा लड़का का जो केवाईसी कार्ड है, वो केवाईसी कार्ड जब मैं ये आधार कार्ड जब मैं केवाईसी के लिए बैंक में डाली, तो मेरा लड़का का कार्ड में फोटो और केवाईसी मेरा फुल एड्रेस है, लेकिन जब मैं इंटरनेट में उसको देखा जा रहा है बैंक में, तो फुल एड्रेस हमारा सेम है लेकिन मेरे लड़के की जगह किसी और का फोटो है। तो उन्होंने मुझे बैंक में एंट्री नहीं दिया, अकाउंट नहीं खोला, और कार्ड मेरा पूरा सही है, बच्चे का फोटो भी है, सेम एड्रेस भी हमारा घर का, लेकिन केवाईसी में जब डाल रहे हैं तो फुल एड्रेस है लेकिन फोटो मेरे लड़के की जगह किसी और का है, और मेरा लड़का अभी ज्वाइंट देने वाला है, उसके लिए मुझे आधार कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए, वो बन नहीं पा रहा, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? चलिए जीनत जी, माफ़ कीजिएगा मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया, जीनत जी थी, हम इनके सवाल का जवाब अपने विशेषज्ञों से लेंगे, अभी समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इनके सवाल को लेंगे, साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लीगल पॉइंट में ब्रेक के बाद आपका कार्यक्रम के अंतिम चरण में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं साइबर अपराध, उससे जुड़े हुए कानून और किस तरह से इसके सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, इस विषय पर। पवन दुग्गल जी, जो हमारे आखिरी कॉलर जीनत, उनका जो सवाल आया था आधार से बैंक के संबंधित, उसका कुछ आप जवाब देना चाहें। देखिए, इस तरह की जो आप केस हमारे सामने रख रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये अपवाद है। जो जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि जो आपका जानकारी उठाई जा रही है और जिसको आप डिजिटाइज किया जा रहा है वो सही हो। अगर आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको कृपया, हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने लोकल थाने में जाके एक रिपोर्ट ज़रूर लिखवा दें कि ये गलत जानकारी की है, और साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक एजेंसी है जिसने इस तरह की जानकारी आपके यहाँ इकट्ठी करी है उन्हें भी आप ईमेल कर दें, पत्र कर दें, या वैसे भी शिकायत करें ताकि वो जो फोटो है वो आपकी बदल दें। द मोमेंट आपकी फ़ोटो वहाँ बदल दी जाएगी, आपके अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल सही होंगे और उसके आधार पर आप जो कुछ भी गतिविधि करना चाहें आप कर पाएंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं अक्षत दिल्ली से, अक्षत पूछे अपना सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आज के डेट में सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और सब लोग किसी ना किसी मैसेंजर जैसे व्हाट्सएप है, हाइक है, उससे जुड़े हुए हैं, तो और सभी यंगस्टर्स के पास कोई ना कोई ग्रुप जरूर है, तो सर कभी कभी ग्रुप पे एक ऐसा कुछ कंटेंट आते हैं, कुछ वीडियोज आते हैं जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, और उन वीडियोज में कुछ
पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, तो सर हमारे पास लॉ तो बहुत स्ट्रांग है कि हाँ हम रोक सकते हैं उसको, और अगर कोई ऐसा भेज रहा है और हमको पसंद नहीं है तो हम उसके खिलाफ कोई केस कर सकते हैं, ये क्राइम में आता है। बट सर हमारे पास ऐसा क्या तरीका है कि कोई इस तरह का कंटेंट भेजे ना, क्योंकि हम हरेक से लड़ तो नहीं सकते क्योंकि सभी लोग दोस्त होते हैं। तो सर मेरा बस क्वेश्चन यही है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम और लोगों को रोक सकें कि वो इस तरह का कंटेंट ना भेजें, या उस कंटेंट जो हमारे पास आ रहा है हम उससे बच सकें। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, अपना जो ग्रुप है उसमें सबको बताना पड़ेगा कि साहब कोई भी व्यक्ति इस ग्रुप में इस तरह की जानकारी ना भेजे, क्योंकि भेजेगा तो ना केवल जो आपका ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर है वो समस्या में आएगा, जितने ग्रुप के सदस्य हैं वो समस्या में आएंगे, और अगर आपने उसको आधार बनाते हुए फॉरवर्डिंग कर दी या किसी और व्यक्ति विशेष को भेज दिया तो आप स्वयं भी समस्या में आने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि भारतवर्ष में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, एक कि लोग बहुत विश्वास करते हैं कि जो चीज़ देखी नेट पर, जो चीज़ देखी मोबाइल पर उस पर पूर्णतः विश्वास कर लिया और उसको आधार बनाते आगे बढ़ा। ये जो विश्वास वाला जो कल्चर है इसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति को ब्लाइंड फोल्डेडली आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। और दूसरी बात, हम लोग बहुत सारे लोग जो है ना, हम लोग कहते हैं भाई कानून तो है ठीक है ना, जब आएगा तो हम जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अपना लेंगे, यानी कि जुगाड़ के करके कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। बताना चाहूँगा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में होते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, तो जुगाड़ करना अक्सर असंभव सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि घटना ऑलरेडी घट चुकी होती है, घटना के जो तमाम सारे लॉग्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स पर होते हैं, और अधिकांश भारतवासी कोई भी मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने से पहले उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। मैं तो सिर्फ यही हिदायत दूंगा कि अगली बार आप कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने वाले हैं, कृपया ध्यान से उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि ये मोबाइल ऐप अब सही है तब तो डाउनलोड कीजिए, और अगर आप कहते हैं कि नहीं डाउनलोड करना ही है तो एक ही रिक्वेस्ट है, दो तरह के फ़ोन ले लीजिए, एक फ़ोन जहां पर आपका सारी जानकारी है और एक दूसरी फ़ोन जिस पर कोई जानकारी तो नहीं है लेकिन आपके दुनिया भर के जो ऐप्स आप डाउनलोड करना चाहें वहां डाउनलोड कर लें, ताकि अगर ऐप आपके मोबाइल फ़ोन से कुछ चुराना भी चाहे या कुछ लेना भी चाहे अधिकृत या अनधिकृत तरीके से तो वो नहीं कुछ आगे कामयाब हो पाए। रवि जी इसमें मैं इसमें दो चीज ऐड करना चाहूंगा, आपका आपका इसमें जाना चाहूंगा। जैसे जो उन्होंने सवाल पूछा था उन्होंने बड़ा एक अहम पूछा, क्योंकि सभी दोस्त हैं, सभी भाई हैं हमारे, हम जो समाज में रहते हैं उस तरह, जैसे पवन दुग्गल जी ने कहा कि हम विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, और ऐसे ही ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, हमें आपत्तिजनक चीज़ लग रही है लेकिन उसके बावजूद शिकायत होती नहीं, आदमी कहता चलो गौण रह जाता है। उसका मामला हम देखते हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में साइबर का चलन तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इंटरनेट का इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन मामले तकरीबन ज़्यादा दर्ज होते नहीं है। 4300 अगर मामले दर्ज हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद अगर इस्तेमाल करती है तो लोग ऐसे मामलों को शायद टाल देते हैं, तो इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, पहले एक जो ये बोले थे ना, मेरा हिदायत ये है ना कि आप दो फ़ोन रख लीजिए, एक में जिस एक जो जिसमें आपका कोई फेसबुक और ये सब कुछ यूज़ ना करें वो आप अपने नेट बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए रख लीजिए, और एक दूसरा फ़ोन रख लीजिए जिसमें आप सारे व्हाट्सएप और फेसबुक और सब करते हैं, और इन दोनों जिस फ़ोन से आप व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब या और कोई सोशल मीडिया पर चलते हैं उस पर आप कभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मत कीजिए, आप कभी अपने कोई आइडेंटिटी या कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ मत रख लीजिए उस फ़ोन पे, सिर्फ एक डेडिकेटेड फ़ोन रख लीजिए आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक और इन सब सोशल मीडिया के लिए। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, आप बोल रहे थे कि विश्वास बहुत करते हैं, देयर इज एन इंस्टेंस ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन, ये सारे दे वर चैटिंग विद ऑल देयर फ्रेंड्स एंड देयर वर लॉट ऑफ ल्यूड जोक्स विच दे वर फॉरवर्डिंग फॉर 6 months, दे वर फॉरवर्डिंग लाइक दैट एंड सडनली वन लेडी इन द ग्रुप took offense and filed a case against him under section 67 he has got bail, but every this is in Bombay, every he has to go twice a week to the police station and report. So and they were chatting very quietly in this group for 6 months. It was these kind of saucy jokes that they were forwarding to each other. Suddenly after 6 months this lady goes and files the case against all the her classmates. इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, ओम प्रकाश पाल उत्तर प्रदेश से। ओम प्रकाश जी पूछे अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। ये सर हमारे पास बहुत सारी इस तरह की मेल्स आते हैं जिसमें बहुत सारे ईमेल आईडी फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर अकाउंट्स वगैरह मांगे जाते हैं जी। और समटाइम्स मैडम कॉल्स भी आती है, कॉल्स भी हमारे पास आती हैं जी, जिसमें इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आपका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, लाइक दिस, या समटाइम्स जस्ट मिस कॉल आती है। तो मोस्ट ऑफली कॉल के टाइम में प्रॉब्लम होती है, हम कॉल बैक करते हैं तो कॉलर रिस्पॉन्स नहीं देता है या उस तरह से मिस कॉल मार देता है। तो जब इसका हमने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि गारंटी यू कैन मेक एफआईआर।
So that is a very lengthy process. There's any steps that with the help of customer care or with the help of try we can know the solution. So who is the caller or who is the end party? Sir. नहीं एक तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो यू कैन डाउनलोड ऑन आइदर योर आईओएस और एंड्रॉयड फोन सच एज ट्रू कॉलर और क्लिंक और कॉन्टैक्टिव जो बता देता है आपको कि कॉलर कौन है लेकिन द बिगेस्ट ऑल्सो आप बोल रहे थे ना ये मिस्ड कॉल एक ये है मिस्ड कॉल स्कैम जहाँ से इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं मिस्ड कॉल बाय द टाइम यू पिकअप दे वुड हैव डिस्कनेक्टेड फिर आप सोचते हैं इंपॉर्टेंट कॉल होगा आप कॉल बैक करते हैं और आपका जितने भी अकाउंट का आपके प्रीपेड बैलेंस जो है ना मेनली प्रीपेड के लिए होता है वो सब उड़ जाता है वो अब उनको ट्रांसफ़र हो जाता है तो एक चीज़ ये देख लीजिए कि कभी अगर अननोन नंबर से कॉल आता है यू बी वेरी वेरी केयरफुल इन पिकिंग इट इन आंसरिंग द कॉल अगर कोई पूछता है कि कौन हो कि कौन बोल रहा है एंड ऑल दैट कभी उनको जवाब मत कीजिए ठीक है एंड बेस्ट इफ यू हैव एंड्रॉयड फोन्स और आईओएस और एनी ऑफ दीज यू पुट वन ऑफ दीज कॉल ट्रेसिंग थिंग्स लाइक ट्रू कॉलर और वॉकलिंक और कॉन्टैक्टिव बहुत सारे ऐप्स हैं जो बता देगा कि कॉलर कौन है बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे स्पैम नंबर्स आइडेंटिफाई थोड़ा कम है साकेत आप कुछ राय रखना चाहेंगे इस पे मैं खाली ये बोलना चाहूंगा दो चीजें हैं आपको जब कॉल्स आती है सामने से ऑफ कोर्स सर ने एक अच्छा तरीका बताया कि आप एक ट्रू कॉलर लगा सकते हो पर ट्रू कॉलर आल्सो कम्स एट अ कॉस्ट ये आप ध्यान रखिए क्योंकि वो जब आप डाउनलोड करते हो वो आपके खुद के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल लेके अपने पास रख लेता है तो वो भी ऑब्वियसली आपको ध्यान में रखने की बहुत बहुत जरूरत है लास्ट पार्ट मैं खाली ये ऐड करना चाहूंगा कि आपको बहुत सारे ऐसे कॉल्स अगर आते हैं जिनको आप कॉल बैक नहीं कर पा रहे हैं एक तरीका होता है उसको बोलते हैं वॉइप कॉल्स और जो कि बड़ी आसानी से हो सकता है जहां पे आप दुनिया के किसी भी नंबर से दुनिया के किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो यानी कि आपको अपने खुद के बॉस से फोन आ सकता है ये बोलते हुए कि तुम आज ऑफिस नहीं आए हो मैं तुम्हें एक नौकरी से निकाल रहा हूं और मेरी बात मानो जब मैं ये बोलूं ये करना एक एक क्लास 10 का बच्चा जो गूगल पे अगर सर्च करे कि फेक कॉल्स कैसे किया जाता है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो बहुत आसानी से लगभग समाप्त हो गया मैं पवन दुग्गल जी के पास आऊंगा तीन बिंदुओं पे पवन दुग्गल जी संक्षिप्त में जरा कहते जैसे जो आईटी एक्ट का 66A है जो कहता है आपत्तिजनक संदेश हमने देखा बीते दिनों कई तरह की ऐसी चीज़ें हुई कुछ लोगों ने फेसबुक के माध्यम से कुछ कमेंट डाले और वो पॉलिटिकल सरगर्मियां ज़्यादा बटोर गई तो किस तरह से हम अपने आप को इस तरह से सुरक्षित बचाएं या करें या फिर जो बात कहते हैं निजता का उल्लंघन हो जाता है जो बात कहिए किसकी प्राइवेसी हम को तो कहीं उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से इन सब चीज़ों से बचा जाए फाइनल टेक के तौर पे भारत में धारा 66A बहुत वास्ट है तो 66A से बचने के लिए दो तीन चीज़ें दिमाग में रखें पहली बात अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से कोई ऐसी जानकारी ना भेजें जो किसी और व्यक्ति को ग्रॉसली ऑफेंसिव या मैनेसिंग इन कैरेक्टर हो कोई ऐसी जानकारी ना भेजें जिससे किसी व्यक्ति की मानहानि हो जिसे किसी को अनोयंस इनकन्वीनियंस हेटरेड का सामना करना पड़ सके कोई ऐसी जानकारी ना भेजें जो आपको पता है कि झूठ है लेकिन इसलिए भेजी जा रही है ताकि कहीं ना कहीं शरारत की जाए लोगों के बरखिलाफ एक सैडिस्टिक प्लेजर लिया जाए आपको बहुत संक्षेप में ध्यान रखना है कि अपनी गर्दन आपने किसी और के हाथ में नहीं देनी है क्योंकि एक बार आपने इस तरह की जानकारी दे दी तो उसके बाद आपका लीगल एक्सपोजर प्रारंभ हो जाता है और ये जो सामान्यतः लोग फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करते हैं उस पे कोई कमेंट करते हैं वो एक किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ हो सकता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी हम सहज भाव में उसे करते हैं क्या वो भी किसी संकट में पड़ सकते हैं देखिए आप किसी प्रकार की आप जब जानकारी को प्रकाशित करते हैं आप सोच रहे हैं कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हेतु ये काम कर रहे हैं लेकिन आप ये देखिए आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इतनी बड़ी नहीं है कि किसी और की जो इज्जत है या जो उसकी रेपुटेशन है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके और ये जो फाइन बैलेंस है इसके ऊपर फिलहाल टिप्पणी होनी बाकी है भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने जनहित याचिकाएं विद्यमान हैं और आने वाले समय पर सुप्रीम कोर्ट इस पर व्याख्या करेगा लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना कि भारतीय आईटी एक्ट ने अब निजता को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है अगर आप किसी व्यक्ति की प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें खींचते हैं उसकी इजाज़त के बगैर या उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो वो स्वयं में अपने आप में एक दंडनीय अपराध है इसमें भी 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है तो इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं और आईटी एक्ट ने बहुत सारा मैं कहता हूँ रिमार्केबल अचीवमेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को लीगैलिटी प्रदान की है और आपने इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को एक आधार प्रदान किया है लेकिन साथ ही साथ
अल्टीमेट जिम्मेवारी, अल्टीमेट सावधानी आपकी होनी है, क्योंकि एक गलती हुई और कई सालों का आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तकनीकी विकास हुआ है सूचना क्रांति के तौर पे, उसने कहीं ना कहीं हमें सशक्त बनाया है, सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी तेजी से होता है, लेकिन उसके साथ में जो अवगुण जुड़े हैं या जो खामियां हैं उसको और ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से आईटी एक्ट का जिक्र पवन दुग्गल जी ने किया कि उसमें काफ़ी तरीके ऐसे बताए गए हैं और बहुत सहज तरीके बताए गए हैं जिसमें अगर आप कोई भी गलत तरीके की चीज़ें करते हैं तो आप दुविधा में या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम हम इस उद्देश्य के साथ ख़त्म करते हैं कि जो हमारे विशेषज्ञों ने अपनी बातें कही, चाहे वो आईटी एक्ट के थ्रू कही हुई हो, साथ में जो हम और तरह के जो इसमें साइबर के द्वारा और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें सावधानी बरतें और इस जो नई सूचना क्रांति या तकनीक है उसका हम लाभ लेते रहे। आप तीनों इस कार्यक्रम में आए, इस चर्चा को इतने जीवंत बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे कानूनी मसले के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।